कहाँ चली सुबह सुबह मुंह उठाकर? अरे सासू डार्लिंग, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ। कोई दिक्कत है क्या आपको? घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? हाँ बाप? अरे सासू डार्लिंग, बाप ने ना कभी घर का काम किया है और ना कभी करेगा। घर का काम बाद में हो जाएगा। मैं चली मॉर्निंग वॉक। अरे बेवड़ी, लोग सुबह सुबह राम का नाम लेते हैं और तू सुबह सुबह इसे उठा के चल दी। सुबह सुबह तो इसे छोड़ दिया करे, पूरा दिन पीती है तू इसे। देखो ना ससुर जी, सासू डार्लिंग को पता नहीं मेरी प्यारी सी शराब से क्या दिक्कत है। जब देखो इसके पीछे पड़ी रहती है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम सासू डार्लिंग? चुप, एक और शब्द नहीं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो नशा मुक्ति केंद्र में डालना पड़ेगा। अरे सासू डार्लिंग, चाहे जेल में डालो चाहे किसी केंद्र में, पर ये बताओ वहाँ पे दारू तो मिलेगी ना? देखो देखो कितनी बेशरम है ये, बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है इसमें। तुम ठीक कह रही हो, बिल्कुल शर्म नहीं है, सुबह सुबह शुरू हो जाती है। अरे ससुर जी और सासू डार्लिंग, अगर आपने भी मेरी तरह बेशरम बनना है ना, इसका बस एक पैग मार लो, फिर शर्म ही दूर हो जाएगी। खबरदार, जो मुझे घटिया सलाह दी तो जाके ना चुपचाप घर का काम कर लो, वरना तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। क्या कहा सासू डार्लिंग? मेरी टांग तोड़ दोगी? जब आप मेरी टांगे तोड़ दोगी तो फिर मैं ठेके पे दारू लेने कैसे जाऊंगी? और सासू डार्लिंग दूसरी बात, आप हरदम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? घर का काम है ना, हो जाएगा, कर लूंगी। और चलो आप क्या ही रही हो ना, घर का काम तो मैं कर लूंगी सासू डार्लिंग, लेकिन सबसे पहले आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। बोलो मंजूर है? हमें तेरे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, चल निकल यहां से। मैडम जी, एक ही प्रश्न तो पूछ रही है, पूछने दो, आप इससे हारते थोड़े हैं, उसका उत्तर दे देंगे। बोलो सासू डार्लिंग, क्वेश्चन का आंसर दोगी या नहीं? चुपचाप घर चली जा, वरना ये डंडा दिख रहा है क्या? अगर क्वेश्चन का आंसर दोगी तो मैं घर जाऊंगी, वरना मैं जाऊंगी मॉर्निंग वॉक पर। मैडम जी पूछने दो ना, पूछने दो, एक ही प्रश्न तो पूछ रही है। हाँ बोको, क्या पूछना चाहती हो? तो फिर ठीक है सासू डार्लिंग, हो जाओ मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। तो ये बताओ कि सबसे बड़ा कौन? अरे बहू रानी, सबसे बड़ा मंदिर। अरे ससुर जी, अगर मंदिर बड़ा तो वो फिर धरती पे क्यों खड़ा? अरे बेवड़ी, तो सबसे बड़ी धरती। अरे सासू डार्लिंग, अगर धरती बड़ी तो वो फिर शेषनाग के फन पे क्यों धरी? अरे बहू रानी, तो फिर शेषनाग बड़ा। क्या कहा? शेषनाग बड़ा? अरे सासू डार्लिंग, अगर शेषनाग बड़ा तो वो फिर शिव जी भगवान के गले में क्यों पड़ा? तो बहू रानी, फिर शिव भगवान बड़ा। अरे ससुर जी, आपकी जनरल नॉलेज भी बड़ी कमजोर है, आपको कुछ पता ही नहीं है। अगर शिव भगवान बड़ा तो वो फिर पर्वत पे क्यों खड़ा? क्यों? अरे बेवड़ी, तो फिर पर्वत बड़ा। सासू डार्लिंग, कर दी ना आपने बेवकूफों वाली बात। अगर पर्वत बड़ा तो वो फिर हनुमान जी की उंगली पे क्यों धरा? बताओ। अरे मेरी माँ, तो फिर हनुमान जी बड़े।
ओ सासू डार्लिंग, आप बिना हद करती हो। अगर हनुमान जी बड़े तो फिर ये प्रभु श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े? ए बहू रानी, तो फिर श्री राम बड़े। अरे ससुर जी, आप तो ना बात ही मत करो, आपकी जनरल नॉलेज तो काटा काटा जीरो एकदम। अगर श्री राम बड़ा तो फिर वो रावण के पीछे क्यों पड़ा? अरे तो मेरी माँ, तू ही बता दे कौन बड़ा। अरे सासू डार्लिंग, वो तो मैं बता ही दूंगी जी कौन बड़ा। आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? लेकिन सबसे पहले आप दोनों अपनी हार मानो। हाँ चल भोग। तो सुनो ससुर जी और मेरे प्यारे सासू डार्लिंग, दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पीने के बाद अपने पैरों पे खड़ा। तू घर जाती है कि नहीं, वरना तेरे पैर दोनों मैं तोड़ दूंगी, समझी? नहीं जाऊंगी। अरे गुलाबो, तू कहाँ चली गई थी? मैं गांव वाले ठेके पे देख के आया, वो पड़ोस गांव का ठेका वहाँ देख आया, वहाँ सच में भी देख के आया। अरे बेवड़ी, तू कहाँ चली गई थी? अरे आप बिना हद करते हो, कहाँ कहाँ ढूंढने चले जाते हो मुझे। जिन ठेकों पे आप मुझे ढूंढने गए थे ना, वहाँ सुबह सुबह मैं 5 बजे पहुँच गई थी और शटर खुलवा के अपने दारू का कोटा ले आई आज के दिन का। और मैं तो मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ। अरे ओ जोरू के गुलाम, इस बेवड़ी को ठेकों पे ढूंढता रहेगा या कुछ अच्छी शिक्षा भी देगा? अरे मम्मी जी, मैंने इसे बहुत समझाया, अरे ना पिया कर, इतनी दारू ना पिया कर, मैं क्या करूं? अरे जब मैं अपने बाप की नहीं मानती तो तेरी क्या मानूंगी और आपकी क्या मानूंगी? मैं तेरी सास हूँ, मेरी बात तो माननी पड़ेगी। अरे सास होगी अपनी घर पे, समझ गए ना? मैं अपने दिल की मालकिन खुद हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगी। मैं ना तेरा लिहाज करनी हूँ, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी दोनों, समझी? खबरदार सासू डार्लिंग, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और आप जब देखो मेरी टांगे तोड़ने हुए पे लगी हुई है। ए बहू रानी, क्यों यहाँ नाक का भी जुलूस निकाल रखा है? ओए जुनू, ले जाइए इसे अपनी पन्नू नगर, हाँ समझा दे जाके। चल गुलाबो। अरे मैं नहीं जाऊंगी, आज तो मैं यहीं पे सासू डार्लिंग के साथ 1-2-3 सारा ही सब खत्म करूंगी। हाँ तू जाती है, तेरे 2-3-4 लगा दूं मैं। नहीं जाऊंगी मैं। अरे गुलाबो चल घर। अरे नहीं जा, वरना इसकी धुलाई कर दूंगी मैं अभी। अरे कोई बात नहीं मारी, थोड़ी सी दारू तो पिए, मैं ले जाता हूँ इसको। अरे सासू डार्लिंग, देख लूंगी मैं आपको। अरे चल घर, चल। ये बेवड़ी, इसके माँ बाप ने अगर इसके कान के नीचे लगा देती होती ना बचपन में, तो कुछ अकल ठिकाने आ जाती इसकी। मैडम जी, आप ही देख के आई थी इसे? मुझे थोड़ी ना पता था ये 1 नंबर की बेवड़ी निकलेगी। अब पता लग गया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी है, वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई गई है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और एक और खास बात, किस वीडियो में मैंने जो शराबी का करेक्टर प्ले किया है वो पूर्णतः काल्पनिक है और कृपया शराब का सेवन ना करें, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।